यहाँ ये इशू है ना मैडम, आप देखिए ना, सबसे पहले आपने मार्क कर दिया एटलीस्ट ये लॉन, इसका ये अप्रोच वगैरह, ये तो लोकली हम मैनेज कर सकते थे। वो कह रहे कि हम 10 दिन ये निकाल लेंगे। वो है ना मैडम, वो सितंबर 2022 में वो पाइप्स, वो सोलर प्लांट वगैरह, मतलब इतना हैवी मटेरियल यहाँ पड़ा है। मुझे बताओ, पाइप्स का काम विंटर में नहीं होता है? अंदर से वो कह रहे हैं, मतलब कि हम कंक्रीट का भी थोड़ा काम है। शुरू बना फिर या शुरू वाले बना जवाब ना ना सुनो ना, तुम क्या शुरू बना शुरू वाले बना जवाब क्या मकसद को मतलब ये बनिए एक मुझे डॉक्टर साहब प्लीज इंश्योर दैट डॉक्टर डोंट बी टेकिंग द डॉक्टर एंड प्लीज डोंट लीव स्टेशन विदाउट माई एक्सप्लिसिट परमिशन टू लीव द स्टेशन एंड दिस आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मेरी परमिशन के बिना पीएमओ डज नॉट हैव टू लीव द स्टेशन। क्योंकि ये CHC का एक देरीना मसला है, यहाँ डेंगी बच्चा के काफ़ी लोग जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट में है, तो इसकी फंडिंग जो है वो उसके सोर्सेज चेंज होते रहे। आज हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने फंडिंग से और कुछ डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ताकि लोग जो है ऑलरेडी कुछ चीज़ें इसमें फॉर्म्ड हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी है, तो उसमें हम अपने लेवल पे भी देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। और सरकार से भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हम डेफिनेटली सरकार से हेल्प मांगेंगे, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो सफ़र ना करें। अभी ऑलरेडी CHC चल रहा है एक जगह पर, लेकिन हम दोनों बिल्डिंग्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। उसी के लिए हमने हीटिंग सिस्टम के लिए ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने हमें पैसे भी भेज दिए हैं, 50 लाख उसमें आ गया है। तो आई एम होपफुल कि जब यहाँ पर बिजली और हीटिंग अरेंजमेंट्स हो जाएंगी तो उसके साथ साथ काफ़ी राहत आ जाएगी।